असलकम एवरी वन तो आज की मैं आज की जो वीडियो है आई जस्ट वॉन्ट टू टॉक अबाउट गर्ल्स इससे पहले भी मैंने लड़कियों के बारे में बात करी है बट आज फिर से मन कर रहा है यार थोड़ी सी आज और बात कर लूँ आप लोगों से मुझे पता है मैं 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 खुद को बहुत ज़्यादा नासमझ समझ समझती हूँ मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा नासमझ इस दुनिया में नहीं होगा बट फिर भी जितना भी अल्लाह ताला ने अगर किसी मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया है तो अगर मैं इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए एक अच्छी बात कर सकूं तो मुझे करना चाहिए क्योंकि कल को ये चीज़ मेरे लिए जन्नत का ज़रिया बनेगी इन तो अगर मेरी वजह से किसी को यू नो मुझ जैसे नाचीज़ की वजह से किसी को फ़ायदा होता है किसी कोई बात आपको सही लगती है तो उस इससे बेहतर मेरे लिए और क्या हो सकता है तो आज का आज की बात में इस मैं ऐसे मैं रही दुपट्टे मुझसे संभले नहीं जाते चलो ठीक है अब सही है मुझे लग रहा है सही है दुपट्टा हाँ स्टार्ट करते हैं अभी तो जो मैं बात आज करना चाहती हूँ ये पर्टिकुलरली गर्ल्स के लिए है देखिए जब हम अपने आप को हम उम्मी रख दीजिए देखो जो हम लड़कियाँ होती हैं ना हमें ऐसा लगता है कि शायद हमारी लुक्स बहुत ज़्यादा मैटर करती है अगर हम अगर हम बनाओ श्रृंगार करते हैं ये मैं थोड़ा हिंदी यूज़ कर रही हूँ आई एम श्योर कि आप लोग वेल well एक्वेंटेड होंगे हिंदी के साथ मतलब कि अगर हम लोग मेकअप करेंगे अच्छे दिखेंगे तो तब शायद हमारी वैल्यू है तब शायद हम बाहर जाएंगे तो हमारी वैल्यू होगी बिकॉज ऑफ वॉट क्योंकि हम लोग जब जब हम लोग मेकअप करेंगे जब हम लोग सजेंगे मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ सजना संवरना बहुत अच्छी बात है करना चाहिए इसमें कोई गलत बात नहीं अल्लाह ताला ने वो चीज़ दी है बट एक ऐसे लेवल पे देखिए जब आप अगर मैं ये बात कहना चाहती हूँ अगर आपके पास खुद के पैसे हैं आप खुद अफोर्ड करना चाहते हो तो आप कीजिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बट हाँ आप एक स्टूडेंट हो आप या फिर आप आप, आप नहीं आपके पास खुद के पैसे नहीं है आप लगा रहे हो मेकअप लगा रहे हो जस्ट टू तो इम्प्रेस अदर जस्ट टू तो शो कि शायद इसी चीज़ से मेरी वैल्यू है अगर मैं ये सब चीज़ें नहीं करूँगी तो शायद मेरी वैल्यू नहीं रहेगी देखिए ये सबसे बड़ी गलत बात है और सबसे बड़ी बेवकूफ़ी बेवकूफ़ी ही यही है इन सब चीज़ों से कोई वैल्यूएबल नहीं बनता है ठीक है ना कल जैसे मैंने उस बच्चे को बुलाया था मिस्टर हाजी को हम लोगों ने बुलाया था तो आप देखिए वो कितने ज़्यादा सिंपल थे और कितने ज़्यादा हम्बल थे अगर वो भी हीरो जैसे बन के आते मुझे वो थोड़ी वो तो उसका वो अपने आप में एक ब्रांड है चाहे वो कोई कुछ बोलता नहीं बोलता अपने आप में एक पर्सनैलिटी है बिकॉज ही हैज़ अचीव समथिंग तो उस वजह से वो खुद उनको किसी चीज़ की अब जरूरत ही नहीं है उनको कुछ हीरो बनने की जरूरत ही नहीं है ऐसी इस, इसी तरीके से हम लड़कियों को मैं खुद को हम सोचते हैं कि शायद हम अच्छे दिखेंगे फिर हमें लड़के पसंद करेंगे या फिर कोई भी हमें पसंद करेगा जी नहीं ये बहुत ही ज़्यादा फकीर वाली सिचुएशन है बहुत ही ज़्यादा हाँ ठीक है अगर आप अपने लिए करते हो आपको अच्छा लगता है आप कीजिए बट ये नहीं कि हर रोज़ करना है बस उसी से हमारी वैल्यू है बाकी फिर अगर हम नहीं करेंगे तो शायद हमें यू नो लोगों को पसंद करने के लिए वो सब चीज़ें करना ये बहुत ज़्यादा इसी वजह से यू नो पीपल आर एक्सपोलाइटिंग वुमन ऑन द नेम ऑफ दीज ब्रांड्स या फिर जो मेकअप हम लोग लगाते हैं कंपनियाँ अपना प्रॉफिट कर रही है और हम हम लोगों को एक्सपोलाइट कर रही है अंडर द थिंग की बस आप सजो सवरो और कुछ भी मत करो अपने दिमाग पे कभी जोर ही नहीं दो तो बस मेकअप लगाते रहो ठीक है जो भी मर्द है जो भी मर्द हजरात हैं उनको खुश करते रहो बस आप तो उसी चीज़ आप तो बस एक शो पीस बन के रह जाओ आई एम सॉरी आई एम यूजिंग इट बट दिस इज द थिंग दैट्स हैपनिंग राइट नाउ और एक बात और भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें मैंने देखी है देखिए जो कि uh, मैं यहाँ पे जो कि यू नो मच्योर मैन होते हैं या फिर जो मैरिड पीपल भी होते हैं कई कई बारी वो आपको दिखाते हैं दिल दिल ट्राई टू अप्रोच यू दिल से कि दिल से थिंग्स कि हम तो ये है हमारे पास हम इतने अमीर हैं हमारे पास इतनी हम इस पोजिशन पर हम वो है हम ये है प्लीज़ ऐसी गलती यार कभी भी इस जहाँ से मैं कभी भी मत आना खुद को ऐसा बनाओ खुद इतनी काबिल बन जाओ कि कल को यू you नो know, आप आपकी वजह से दस लोगों को कल को बेनिफिट हो आप ऐसे सोचो कि ये ये किसी पोजीशन पे है, तो मैं क्यों नहीं इस पोजीशन पे पहुंच सकती हूँ या मैं कुछ क्यों नहीं ऐसा कर सकती हूँ मैंने अक्सर ऐसी कुछ मैं मतलब देखा है मैंने यू you नो know, गर्ल्स आर लाइक अरे यार ये तो, ये तो ये तो कुछ ये तो इंजीनियर है ये तो डॉक्टर है ये तो यू है एस हाँ तो क्या बात कौन सी बड़ी बात है आप खुद इतनी मेहनत करो खुद वैसे बन जाओ इतना ये कुछ रोब जमाने की क्या ज़रूरत है किसी के इन्फ्लुएंस में आने की क्या ज़रूरत है है कोई है तो है महाराजा थोड़ी है किसी कंट्री का या फिर नौजबिल्ला आप उसको वो स्टेज दे सकते हो जो अल्लाह अला वा वात की है कभी नहीं दे सकते ना तो इसलिए यहाँ पे आती है बात एजुकेशन की खुद को यार बहुत ज़्यादा एजुकेटेड बनाओ कि कल को आती है कल को हम सब लोग जानते हैं कल को लड़की की शादी हो जाती है फिर क्या पता है आपके आपके जो इन लॉज है वहाँ पर किस तरीके का माहौल होगा आपको क्योंकि मैं अभी कुछ हाल फिलहाल में वीडियो देख रही थी uh, कुछ एक लड़की है उसको मार डाला गया था बिकॉज ऑफ दी डावरी वो नहीं दे पा रही थी जहेज तो उस वजह से शी हैज़ बिन किल्ड बाय हर हस्बैंड और इन लॉ समथिंग लाइक दैट तो आप देखिए क्या क्या चीज़ें होती है बट हाँ अगर एक लड़की एजुकेटेड होगी इंडिपेंडेंट होगी वो खुद कमा सकती है खुद अपने पैरों पे खड़ी रह सकती है आपके माँ बाप को कब तक संभालेंगे कब तक वो बेचारे एक तो आपकी शादी तो शादियाँ भी यहाँ पे इस तरीके से होती है अस्तकफरल जो कि कभी भी हमारा कल्चर नहीं था मैं मानती हूँ आप अमीर हो बहुत अच्छी बात है बट यार इस तरीके से शादियाँ करना दिखाना लोगों को हम पता नहीं कौन है आप क्या जताना चाहते हो इन सब चीज़ों से आप एक मिसाल कायम कर सकते थे अगर आप सिंपल शादियाँ करते दूसरे लोगों के लिए जो गरीब इंसान है आप उसको क्या दिखाना चाहते हो कि तुम तो नहीं कर सकते ये सब ये सब पता नहीं क्या फिजूल की ट्रेडिशन्स है जो कि है ही नहीं हमारी एनी वे अब जो भी है लीव इट असाइड आई जस्ट यू नो पर्टिकुलरली आई जस्ट वॉन्ट टू टेल गर्ल्स की यार प्लीज़ समझदार बनो इन सब चक्करों में मत पड़ो कोई आपको बोल रहा है मैं तो ये हूँ मैं तो वो हूँ मैं ये कर दूंगा ये बोलो इतना ही है तो ठीक है मेरी मम्मी पापा से बात कर लूँ विल गेट मैरिड इन एन इस्लामिक वे विल डू इट फिर देखो कैसे कैसे चीज़ें पलट जाती है तो इस तरीके से पहली सिचुएशन में मत पढ़ो अगर आप अभी तीस के भी हो अट्ठाईस के भी हो सत्ताईस के भी हो जस्ट वर्क ऑन योर सेल्फ एंड अल्टीमेटली थिंग्स विल फॉल इन टू प्लेस और कोई ज़रूरत नहीं यार अपने जितना हम खुद को सजते हैं खुद को संवारते उससे बेटर अगर हम अपने करियर को संवारते ना तो हम कहीं से कहीं पहुँचाते बस दिखावाबाजी हमको करनी है उसने कितनी ड्रेसेस ली है मैंने कितनी ड्रेसेस ली है उसने कौन सा मेकअप लगाया मुझको अरे यार बस इन्हीं सब फिजूल चीज़ों में हम लोग फंसे पड़े होते हैं ये भी कोई चीज़ है डिस्कस करने वाली और अगर फिर किसी को बोलो कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो ही और शी विल बी लाइक तो तुम तो हमारी कैटेगरी तुम तो कुछ और ही तुम तो किसी और ही प्लानट से आए हो क्योंकि हम समझदारी वाली बात कर रहे हैं ना वो तो आपके दिमाग में घुसेगी नहीं इसलिए मैं बोल रही हूँ यार अगर अभी माँ बाप आपके पैसे लगा रहे हो जिस भी फील्ड में हो जो भी कुछ कर रहे हो अपना बेच दो अच्छा करो उसमें और सबसे बड़ी बात यार इस्लाम की नॉलेज लो मैं ये नहीं कहती हूँ कि मेरे पास नॉलेज है मेरे पास बहुत कम नॉलेज है अगर हम अल्लाह ताला के साथ एक अच्छा कनेक्शन डेवलप करेंगे तो हमें कभी भी ये चीज़ खटकेगी नहीं हमें कभी भी ये चीज़ तंग नहीं करेगी कि शायद मैं लोनली हूँ और चीज़ों को जब हम हम ऑक्यूपाइड रहेंगे ना चीज़ों के साथ तो ऑब्वियसली हम हमें ये सब चीज़ें फील ही नहीं होंगी पर हाँ बहुत सारी मतलब चीज़ें होती है जो कि देखती हूँ मैं सबसे बड़ी बात अगर आपको इन सब चीज़ों से बचना है अपनी नज़रें नीची करो जब भी आप किसी नॉन महरम को देखते हो अपनी नजरें नीची करो कोई ज़रूरत नहीं यार उनके साथ हंस के बात करने की जो मैंने इसे देखा है मुझे मैं यूजुअली मैं बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से बात करती हूँ एंड देन पीपल आर लाइक आप क्यों इतनी स्ट्रिक्ट हो क्यों भाई तो फिर क्या की की तुम यक करके तुमसे बात करे आप आप अपनी, अपनी नज़रें नीची करो स्ट्रिक्ट रहो कोई आपको कोई कुछ भी नहीं कहेगा और किसी को बुरा लग रहा है तो लगने दो हमें अल्लाह ताला को खुश करना है हमें दूसरे दुनिया के लोगों को खुश नहीं करना है वो हमारा ना कुछ बिगाड़ सकते हैं ना कुछ हमें बना सकते हैं तो हम क्यों अपने अपने आप को शो पीस बना के हम क्यों अपने आपका शो पीस बनाए बताओ हमें पहले फ़खर करना चाहिए कि हम लड़की है अल्लाह हैज़ मेड अस ए वूमन बिकॉज कल को आपके बच्चे होंगे माशाल्लाह आप उनको एक एक यू you नो know, एक एक जनरेशन बनती है एक माँ अगर अच्छी होगी पढ़ी लिखी होगी एक समझदार होगी तो ऑब्वियसली वो एक बहुत अच्छी आ, माँ बन सकती है एक मिसाल कायम हो सकती है तो मैं चाहती हूँ आप सब लोग यू you नो know, बहुत ही ज्यादा होशियार रहो क्योंकि आजकल यार जिस तरीके का माहौल है जिस तरीके की चीज़ें हैं खुद को यार एक्सपोलाइट बहुत ही ज्यादा निडर बनो बहुत ही ज्यादा बोल्ड बनो बोल्ड इन सेंस कि एक तो अपने आप पे काम करोगे तो ऑब्वियसली वो चीज़ें आएंगी ही और जब अल्लाह ताला आपके साथ है तो फिर ऑब्वियसली फिर कोई भी चीज़ फिर कोई दिक्कत नहीं है आप कर लोगे मतलब आप हर किसी हर किसी चीज़ पे हर किसी चीज़ से आप निपट लोगे ठीक है ना अल्लाह ताल के साथ अपना कनेक्शन अच्छा बनाओ अपने माँ बाप के बारे में सोचो वो इतना कुछ कर रहे हैं आपके लिए तो आपकी भी कुछ ज़िम्मेदारी बनती है राइट कल को अगर ऐसी कुछ सिचुएशन आएगी तो हम अपन, हम खुद अपने पैरों पे खड़े होने चाहिए हम ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम किसी पे डिपेंडेंट हो जाए कि कोई हमें बोल रहा है कि आपका डिवोर्स हो गया या फिर आप यू नो मार रहा है पीट रहा है और हम सह रहे हैं नहीं हमें एटलीस्ट इतनी ताकत होनी चाहिए कि हम अपने बलबूते पर कुछ कर सकते हैं कि कभी किसी में कोई हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि वो हमें टच करे ऐसा खुद को बन मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपने हस्बैंड्स को मारो पीटो नहीं अल्लाह रिस्पेक्ट योर हस्बैंड योर पार्टनर इज़ इज़ एवरी थिंग फॉर यू दैट दैट अल्लाह सुबह यू हैव टू रिस्पेक्ट हिम यू नो बहुत ही ज़्यादा इनफैक्ट अल्लाह खुद फरमाते हैं कि एक हदीस भी है शायद मैं उतना नहीं जानती हूँ कि अगर आपको सजदा करना होता तो यू यू शुड यू मस्ट हैव टू प्रोस्टेट बिफोर योर हस्बैंड है ना ये है एक हदीस है तो ऐसा नहीं है कि रिस्पेक्ट नहीं करनी है बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं बट यार कभी कभी हम औरतें भूल जाती है कि वो रिस्पेक्ट का की भी एक लाइन होती है आपकी एक लाइन होती है उस चीज़ को क्रॉस नहीं कर सकता कोई आप पे यू नो एक सेल्फ रिस्पेक्ट चीज़ की कोई चीज़ हो कुछ लोग होते हैं जो दरिंदे होते हैं जिनको समझ नहीं आती है ये चीज़ें तो उस टाइम पे हम खुद खुद के सर्वाइवर बनने चाहिए हम हम हमें एटलीस्ट इतना पोटेंशियल होना चाहिए कि हम अपने बलबूते पे कुछ कर सके हम हम हमारी तरफ कोई गंदी नजर से हमें देख नहीं सकता हमें ये नहीं बोल सकता कि तुमको डिवोर्स देंगे तुमको निकाल देंगे तुमको वो कर देंगे नहीं इतने, इतनी इतनी सिक्योरिटी होनी चाहिए हम में हम अपने बलबूते पे होने चाहिए कि अगर हमने ये चीज़ की है तो अपने बलबूते पे की है कोई हमें छोड़ के भी जाए तो इट्स ओके देर आर वेरियस सर्कमस्टेंसेज फॉर दीज थिंग्स बट आई एम जस्ट यू नो पुटिंग थिंग्स इन नटशल तो इसलिए मैं बस बोलना चाहती हूँ कि यार काबिल बनो और सजने संवरने से ज़्यादा खुद पर काम करो खुद को अच्छा बनाओ और एक दूसरे की हेल्प करो ये मत किसी को बोलो कि उसकी टांग मत खींचो इसकी टांग मत खींचो एक दूसरे की हेल्प करो जितना हो सके और जितना हो सके अपन अपनी हया और अपनी शर्म की हिफाजत करो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शरीफ रहने में कोई मॉडस्ट रहने में कोई गलत बात नहीं है अगर आपको उसके लिए कोई बोलेगा कि आप द्ञान उस आप वो हो आप ये हो दैट्स परफेक्ट हम वैसे ही सही है आप आप कोई भी गलत काम मत करो जिससे घर के घर उजड़ जाए जिससे आपका आपकी इज्जत मिट्टी में मिल जाए ओके बाकी बस यही बोलना था यार अगर मेरी बातों से किसी की हेल्प होती है तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है सो थैंक यू वेरी मच अल्लाह हाफिज़ बस अगर कुछ भी अच्छा लगा होगा यार दुआ में याद रखना मेरे लिए दुआ करना थैंक यू वेरी मच अल्लाह हाफिज़ बाय